आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला हेल्दी स्नैक्स पिज्जा बाटी। भाई आप सोचेंगे पिज्जा है तो ये हेल्दी कैसे है? हेल्दी ये इसलिए है क्योंकि हम इसे आज आटे से बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। पिज्जा बाटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप गेहूं का आटा। और इस आटे में ना आप ऐसे बीच में हल्का सा होल बना लीजिए और इसमें डाला अब मैंने ये 1/2 कप के बराबर घर का फ्रेश दही। इसमें मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून के बराबर नमक और 1/2 टीस्पून के बराबर ही चीनी। और इसको ना ऐसे उंगली से हल्का सा मिक्स कर लीजिए। तो आप देखेंगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दही में हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो जब ऐसी स्टेज हो जाए तो आप समझिएगा कि अब हमें आटा अच्छे से गूंद लेना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा दही और ऐड किया है क्योंकि आटा पूरी तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा था। तो आप चाहें तो आप 1-2 चम्मच पानी भी इसमें डाल सकते हैं। और आटे का हमको एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, जैसा कि हम रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं। जब आटा हमारा अच्छी तरीके से खट्टा हो जाए तो हमको इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हाथ से ऐसे गूंद लेना है। ऐसा करने से जो हमारी ये पिज्जा बाटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे गूंदते हुए और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल। और इस तेल को भी हमको अच्छी तरीके से आटे में ऐसे गूंद करके मिक्स कर लेना है। आटा हमको ऐसे लगातार ऐसे मुक्की से, जैसे अपन आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अच्छी तरीके से गूंद लेना है। तो देखिए आटा हमारा गूंद के तैयार है और मैं आपको दिखाती हूँ इस आटे में कितनी अच्छी इलास्टिसिटी आ गई है। जब मैं ऐसे इसको खींच रही हूँ तो ये आटा टूट नहीं रहा है। तो बस अब इस आटे को ऐसे अच्छी तरीके से टक इन कर दीजिए, रोल कर दीजिए और ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर जरूर लगा दें जिससे आटा चिपके नहीं। और ढक्कन से ढक दीजिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक जो है हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी सब्जियां ली हैं, थोड़ी सी मैंने ये रेड वाली बेल पेपर ली है, थोड़ी सी येलो वाली बेल पेपर और 1/2 प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़े से कॉर्नस लिए हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आपके फ्रिज में आप वो लें। आप सब्जियां जो है अपने बच्चों की चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को एक बॉल में निकाल लिया मैंने। इसमें ऐड किया मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ये पिज्जा सॉस। आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो आप सिंपल टमाटो सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून के बराबर ये इटालियन सीजनिंग, जिसको आप ऑल पर्पज सीजनिंग भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून के बराबर काले मिर्च। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप काले मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो। और अब इन सभी चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो हमारी ये स्टफिंग तो हो गई है तैयार। अब जरा आटे को भी देख लेते हैं उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसको हमको 1/2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ऐसे हाथ से इसको मसल के चिकना कर लेना है। अब हमको इसके नींबू से थोड़े बड़े साइज के पेड़े तोड़ लेने हैं।
देखिए मैंने इसको चकले बेलन पे छोटा छोटा सा जैसे पूड़ी बेलते हैं वैसे बेल लिया। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इतना मोटा बेला है, इसको बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, नहीं तो जब हम इसको सेकेंगे तो मटेरियल जो है बाहर आ जाएगा। और अब हमने इसमें भरा ये थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, ये मैं डाइस वाला ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लें। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप सिंपल चीज़ स्लाइस भी इसमें डाल सकते हैं। और एक चम्मच इसमें भरी मैंने दी स्टफिंग और फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और डाला। और अब इसको देखिए हाथ से ऐसे सब तरफ से उठाते हुए हमने इसको बंद कर देना है। देखिए इसको ऐसे साइड साइड से उठाते जाइए और इसको ऐसा गोल बना लीजिए और ऊपर से इस तरीके से देखिए सील कर दीजिए और इसको हथेली पे रख के हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बस ऐसे। तो अभी हमारी बाटी जो है रेडी है बिल्कुल सेकने के लिए। बस इसी तरीके से हमको ये सारी बाटियां जो है रेडी कर लेनी है। ये बाटी सेकने के लिए आप कोई सा भी घर में एक नॉनस्टिक पैन ले लें, बस ध्यान रखिएगा कि उसका तला थोड़ा सा हैवी हो। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं हो तो आप सिंपल जो लोहे का तवा होता है उस पर भी इसको रख करके सेक सकते हैं, लेकिन हमको पहले उसको गर्म नहीं करना है। देखिए पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया और इन बाटियों को ऐसे भाई थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए भाई सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको ऐसे करके सजा दीजिए पूरे पैन में। और अब इस पैन को गैस पे रख के गैस को ऑन करना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आपका जो ये पैन है भारी तली का नहीं हो तो आप एक तवा भी इसके नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर आप इस पैन को रख दीजिए और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके छोड़ दीजिए। पांच मिनट हो गए हैं और मैं ढक्कन हटा रही हूँ तो भाई देखिए कितनी बढ़िया ये बाटी फूल गई है। हमने इनको कितना दूर दूर रखा था लेकिन ये फूल करके डेढ़ गुनी हो गई हैं। तो अब हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही ढक करके 5 मिनटों के लिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ हमारी सारी बाटियां कितनी अच्छी तरीके से सिक गई हैं, बहुत परफेक्टली। तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो लीजिए हमारी ये आटे से बने हुए पिज्जा बाटी बिल्कुल रेडी है। इनको आप मिर्च वाली चटनी के साथ मेयोनीज के साथ सर्व करिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और आप चाहें तो आप इसको बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने क्रीमी लग रहे हैं और सब्जियां भी अच्छी तरीके से इसमें दिख रही हैं। तो आप ये रेसिपी बनाएं और आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।